जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस चालकों की गुंडागर्दी उफान पर है। इन्होंने शहर के हर अस्पताल और किराया खुद से तय कर रखे हैं और पैसे नहीं देने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, जिसकी एक दर्दनाक तस्वीर उस वक्त सामने आई जब एक बुजुर्ग महिला ने तड़फते हुए दम तोड़ दिया। पूरा मामला बीती दरमियानी रात का है, जहां एम्बुलेंस चालक ने वार्ड में घुसकर मरीज मां के बेटे के साथ जमकर मारपीट कर दी और इसी मारपीट में महिला की जान चली गई। गढ़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की पड़ताल कर रही है। ये कल शाम करीब 7:15 बजे की घटना है, जिसमें कॉलर का फ़ोन पहले डायल 100 में है। उस सूचना पे तत्काल संज्ञान लेते हुए गढ़ा पुलिस और मैं स्वयं वहाँ मौके पर पहुँचा, जिसमें 16 नंबर वार्ड में एक कंप्लेनेंट है जिनकी माताजी भर्ती थी और जिनके पड़ोस में भी एक व्यक्ति भर्ती थे जिनको बाहर जाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए थी। तो उनकी सहायता हेतु जो कंप्लेनेंट है उन्होंने उसको कम दाम में एम्बुलेंस मुहैया करवाई, जिस पर से जो स्थानीय एम्बुलेंस कर्मचारी थे उनमें से 7-8 लोग के लगभग पहुँचे वहाँ पर। उनमें से 2-3 लोगों ने उनके साथ मारपीट करी, जो कि वार्ड में घुस के मारपीट करी थी, जिस पर से उनकी माताजी वहाँ भर्ती थी और उनका ऐसा कहना है कि उसी मारपीट के दौरान धक्का मुक्की पे उनकी माताजी का सदमे से देहांत हो गया है, जिस पर से अभी उनकी माताजी का आज PM कराया जा रहा है और जो भी आरोपी व्यक्ति हैं कुछ लोग चिन्हित हो गए हैं और उन पर शीघ्र ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।